आपका मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आज सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो कंगना के लिए 5 साल बाद फिर से चर्चा में आया है, और ये मुद्दा है बीफ का। जी हां, मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत को कांग्रेस उनके एक पुराने ट्वीट के मामले पर लगातार घेर रही है, जिसके बाद आज कंगना ने भी इस पूरे मामले पर एक बयान दे डाला। देखो, मैं यहाँ की बेटी हूँ। मैं मुझ पे तो सारा भारत ही बहुत गर्वित हमेशा रहता है। मुझे बहुत ही प्यार लोगों से हमेशा हर जगह से मिला है। देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है। हिमाचल के चुनाव में बीफ की एंट्री। तो मैं बीफ खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे भाजपा की उम्मीदवारी मिल जाती है। कंगना के बीफ पर बवाल। चुनावी माहौल है और अब राजनीति में ऐसे ऐसे मुद्दे निकल कर आ रहे हैं जिनको खत्म हुए कई साल हो गए, लेकिन अब एक बार फिर उम्मीदवारों से इसे जोड़ा जा रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ है बॉलीवुड स्टार और मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के साथ, जिनका बीफ पर 5 साल पुराना किया ट्वीट अब फिर से बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हिमाचल में बीफ पर राजनीति हो रही है। विपक्ष के नेता कंगना रनौत को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं और अब नौबत यहां तक आ गई है कि कंगना को इस पर सफाई तक देनी पड़ गई। क्या है ये पूरा बीफ पर बवाल, इसको समझने से पहले देखिए कंगना का एक्स पर पोस्ट, जिसमें उन्होंने बीफ के मामले पर खुद पर अटैक करने वालों को जवाब दिया है। कंगना ने एक्स पर लिखा कि मैं बीफ या किसी दूसरे तरह के लाल मांस का सेवन नहीं करती। ये शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं दशकों से योगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली को प्रमोट करती रही हूँ। इस तरह की अफवाहें मेरी छवि खराब नहीं कर सकती। मेरे लोग मुझे जानते हैं और वो ये जानते हैं कि मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूँ और कोई भी चीज उन्हें कभी गुमराह नहीं कर सकती। जय श्री राम। कंगना का ये बयान लगातार उस वार के बाद आया जब कांग्रेस बीफ खाने को लेकर निशाना साध रही है। अभी 2 दिन पहले ही हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कंगना का नाम लिए बिना एक पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था कि गोमांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़ रहे हैं। विक्रमादित्य ने पोस्ट किया था कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, यह देवभूमि है जहां गोमांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़े। ये हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। इसके बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने बीफ को लेकर कंगना पर निशाना साधा था। कंगना मनाली किसा ऑफिशियल ट्वीट आए, तो मैं बीफ खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे भाजपा की उम्मीदवारी मिल जाती है। लो, तो आसाराम रावत बसे, कंगना को टिकट मिलती है तो मैंने कौन सा बात की। इसके अलावा कंगना की 2019 की सोशल मीडिया पोस्ट भी खूब वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीफ खाना गलत नहीं है। इसके अलावा 2019 में ही कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बीफ खा चुकी हैं, जिसके बाद इस पर बहुत बवाल भी हुआ था और जिसके बाद कंगना की टीम ने सफाई दी थी कि वो 8 साल पहले ही पूरी तरह शाकाहारी बन चुकी है। अब एक बार फिर उसी मुद्दे को उठाकर कंगना पर सियासी वार किया जा रहा है। किसी कांग्रेस के साथी को बीफ खाने पर एतराज है तो उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि उनके जो टॉप के लीडर्स है ना, वहां से लेकर नीचे तक सब बीफ खाते हैं, और अगर वो पाप है तो ये पाप है। कांग्रेस के सारे लोग पाप कर रहे हैं। मेरा मानना है कौन क्या खा रहा है ये पाप नहीं हो सकता। आपको बता दें कि कंगना पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है और मंडी से चुनावी मैदान में है, और यहाँ उनको कड़ा मुकाबला कांग्रेस दे सकती है जो कि विक्रमादित्य को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है।
पहले चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह को फिर से टिकट देगी, लेकिन सर्वे में विक्रमादित्य सिंह के आंकड़े बेहतर आए और सर्वे में ये भी सामने आया कि युवा वोटरों के बीच विक्रमादित्य सिंह ही कंगना को टक्कर दे पाएंगे। इसलिए पूरी संभावना है कि कांग्रेस विक्रमादित्य सिंह पर ही दांव लगाएगी। बिल्कुल, हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे, ये मेरी आप बात नोट कर लें। मंडी सीट को भी और हम सारी सीटों को हम जीतेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। इससे पहले भी कंगना कांग्रेस के निशाने पर थी, जब सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद इस पर विवाद हुआ था। विवाद इतना बड़ा था कि चुनाव आयोग ने सुप्रिया को चेतावनी तक दे डाली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।